हे गाइज, अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है तो आप यही सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो आप सबसे पहले यही करते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास IMEI नंबर नहीं है तो वहां पर आपकी कंप्लेन भी एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरा रास्ता फिर यह है कि आप सब कुछ भूलकर एक नया मोबाइल खरीद लें। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि जिसने आपका मोबाइल फोन चोरी किया है उसकी फोटो और लोकेशन अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आपका जिसने भी मोबाइल चोरी किया है उसकी फ़ोटो और उसकी जो लोकेशन है वो आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोबाइल में जो प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है उस पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है और ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च में आपको लिखना है लोक वॉच, ठीक है दोस्तों, लोक वॉच। इसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है लोक वॉच का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है जिसमें एक ऑप्शन आ रखा है सेंड अलर्ट ईमेल का, ठीक है दोस्तों। इस पर आपको क्या करना है, ये अभी ऑफ आ रहा है तो इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमारे सामने कुछ जनरल सेटिंग्स आएगी और कुछ परमिशन रिक्वायरमेंट होगी, इसे आपको यहाँ से ओके करना है, ठीक है दोस्तों। ओके करने के बाद फिर से हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप, सेकेंड है कैंसिल और थर्ड वन है अनइंस्टॉल ऐप। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक फिर से ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करके नीचे चलने पर एक चेकबॉक्स दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक राइट का निशान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर करना है नीचे से ओके। तो ये हमारी जो कुछ सेटिंग्स थी वो चेंज हो गई है। अब क्या करना है आपको, आपका फ़ोन जो भी बंदा चोरी करेगा ना वो सबसे पहले लॉक खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको देखो बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा जो फ़ोन है वो लॉक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो ये सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ से जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको देखिए लॉक पासवर्ड जो है रॉन्ग बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दो बार पासवर्ड रॉन्ग लगाते ही क्या होगा, फिर जो आपका जिसने भी फ़ोन चोरी किया है उसकी फ़ोटो और लोकेशन आपकी जीमेल आईडी पर आ जाएगी। और यहाँ पर मैं देखो आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब जो मैंने ये दो बार रॉन्ग पासवर्ड लगाया, ठीक है दोस्तों, अब मैं जीमेल आईडी पर जाता हूँ। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन होगा। अब देखिए ऊपर एक मैसेज आ रखा है लॉक वॉच अलर्ट का, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, जिसने भी आपके मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश की, जिसने चुराया उसकी फ़ोटो और लोकेशन आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो फ़ोटो आ रखी है, इस टाइम मैंने जो लॉक खोलने की कोशिश की थी लेकिन जो पासवर्ड लगाए थे वो रॉन्ग लगाए थे, इसलिए ये फ़ोटो आ गई। और नीचे व्यू मैप, ये उसकी जो लोकेशन आ गई, ठीक है दोस्तों। अगर लोकेशन देखना चाहे तो व्यू मैप पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो लोकेशन का है पेज वो ओपन होता है और देखिए यहाँ पे ये लोकेशन आ गई। फिलहाल जो हमारा मोबाइल है वो इस लोकेशन पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप अगर डायरेक्शन लेना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन दे रखा है एक डायरेक्शन, यहाँ तक आप जा सकते हो। डायरेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जाकर अपना जो मोबाइल है वो ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप अपना जो भी मोबाइल चोरी हुआ वो वापस पा सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।